3 अक्टूबर को ग्राम थोर निवासी आसाराम यादव एवं उसकी पत्नी उर्मिला यादव के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने में सफलता पाई है। हत्यारा मृतक युवती उर्मिला यादव का पूर्व पति राकेश राजवाड़े है, जो ग्राम कोरजा लखनपुर का रहने वाला है। राकेश से उर्मिला की शादी लगभग 4-5 वर्ष पूर्व हुई थी। राकेश द्वारा पत्नी के साथ लगातार बदसुली की व मारपीट की जाती थी, जिसके कारण पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और आसाराम यादव के साथ विवाह कर खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, जो उसके पूर्व पति को रास नहीं आई और उसने योजना बनाकर उसके पूर्व पति एवं उर्मिला दोनों की हत्या कर दी। तीन तारीख सुबह 8 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी थौर गांव मणिपुर चौकी अंतर्गत। वहां पे आशा राम यादव नामक एक व्यक्ति की घर में मृतक हालत में बॉडी मिली थी और साथ ही एक इंडिपेंडेंट सूचना प्राप्त हुई जो उदयपुर में जंगल क्षेत्र में एक महिला की संदेशप्रद तरीके से वहाँ पे उनकी बॉडी की सूचना मिली। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दोनों मृतक और मृतिका पति पत्नी की तरह लगभग 2 साल से रह रहे थे और उनका एक छोटा बच्चा 1.5 वर्ष का था, जो भी गंभीर रूप से आरोपी द्वारा घायल किया गया था घर में ही। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो मृतक है उनकी मल्टीपल बॉडी पे इंजरी थी, हेड इंजरी, जिसके कारण से मृत्यु होना साबित हो रहा था, और जो मृतिका है उनके साथ दुराचार और बाद में हत्या कर उनको फांसी का रूप देने की साजिश सामने आ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला, सीएसपी अखिलेश कौशिक, थाना प्रभारी कोतवाली रुपेश नारंग, थाना प्रभारी उदयपुर, थाना प्रभारी मणिपुर, थाना प्रभारी लखनपुर के अंडर में मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके इसमें विवेचना को अंजाम दिया गया। लगभग 20 से ज़्यादा संदिग्धों की इसमें जो है साइमल्टेनियसली पूछताछ चालू की गई। एक इम्पॉर्टेंट वाइटल एविडेंस जो था, जो मृतक का मोटरबाइक था वो घटना के बाद से ही गायब था, तो कुछ टीम्स को वहाँ भेजा गया उसकी पता तलाश में, और ब्रेक थ्रू मिलने पे जो मुख्य आरोपी है जिसने अकेले इस अंजाम को कारित किया है, जिसका नाम राकेश रजवाड़े लखनपुर कोरवा का रहने वाला, उसके घर से जो मृतक की बाइक है वो रिकवर हुई और ये पूरा केस का ब्रेक थ्रू हुआ। और इसमें आरोपी को जशपुर तरफ भागते हुए हमारी टीम द्वारा पकड़ा गया और उसने अपने कन्फेस किया इस अपराध को। ये सामने आया है, ये जो आरोपी है और जो मृतिका है उनकी लगभग 5 वर्ष पहले शादी हुई थी और दुर्व्यवहार और मारपीट के चलते महिला ने लगभग 9 से 10 दिन में उसको छोड़ दिया था और अपने पति के साथ अभी आशाराम के साथ रह रही थी, और इसी को लेके उसके मन में रंजिश थी। पहले उसने धमकी भी दी थी और जो आरोपी है उसका आपराधिक पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड भी हमारे सामने आ रहा है, तो इसमें उसने अकेले इस घटना को कारित किया है। उसको गिरफ्तार करके धारा 302, 365, 376 के तहत जो है 307 के तहत अपराध पंजीवृत कर उसे आज रिमांड में भेजा जा रहा है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है और उस रात घर में कितने लोग मौजूद थे और पुलिस ने वारदात को कैसे अंजाम दिया? आरोपी जो है ग्राम कोरजा लखनपुर का रहने वाला है और जिस रात घटना हुई उस रात 2 कमरों में, एक कमरे में जो मृतक है उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा थे और दूसरे कमरे में मृतक की माँ और उनके कुछ 2 और रिश्तेदार मौजूद थे। कैसे अंजाम दिया? लगभग घटना दिनांक को शाम को 5 बजे ये अपना प्लम्बिंग का काम करके अपने ठेकेदार के यहाँ पे खाना पीना किया और रात को 10 बजे ये अकेला वहाँ से ग्राम बकीरमा से वहाँ से निकला। उसके बाद में ग्राम कोरबा ये ग्राम थौर में लगभग जो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है पैदल वहाँ पे आया और घर में उसने एंट्री ली और जो महिला है और जो पुरुष है क्योंकि पूर्व से परिचिति थी तो उनके नाम से बुलाया, जिसके कारण उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला और प्रवेश लिया और जो लकड़ी का खूंटा है उसके साथ में उसने वार किया। पुरुष की वहीं पे स्पॉट पे डेथ हो गई और महिला को वो भयक्रांत करके
और अपने साथ जो है मृतक की बाइक को वहाँ से लेके चला गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगल में जाके महिला के साथ दुराचार की घटना करते हुए उसकी हत्या कर दी। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे को गंभीर हालत, बच्चे को इंटरनल इंजरीज और गंभीर अवस्था में कल प्राथमिक इमीडिएटली रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और उसके फर्दर न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा रायपुर जो है अभी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजा गया है। ठीक है।